Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So in this session we'll try to understand the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. We'll try to figure it out, the important editorial from your prelims examination and from the mains point of view. So dono exam perspectives se jo editorial hai usko samajhne ki koshish karenge. Before I begin, I would also like to tell that I'll be discussing some of the important MCQs. So you can participate, you can write the correct answer in the comment section. So this would be an MCQs which I'll be discussing at the end of the जो editorial analysis होगी उसके बाद मैं discuss करूँगा, right? Moving ahead, हम लोगों ने UPSC के इस जो essay writing challenge है उसको start किया हुआ है. So every Sunday you can participate and you can write in the answer writing challenge. जो best essay होगी will be awarding with 1000 rupees as in cash. और we have also a prelims mock test series for civil services 2020. तो total 70 test है. You can avail this course test series both online and offline. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. मूविंग है, दिस इज़ अ टुडेज एडिटोरियल लिस्ट. सो टुडे इज़ 14th of November, दैट इज सर्टन फ्राइडे, बेसिकली थर्सडे. टुडे इज़ 14th of November. सो द इन डेप्थ एनालिसिस वुड बी फ्रॉम द स्पीड ऑफ द जस्टिस, दिस इज देयर. दिस इज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू. Now from the Hindu, these are the other list of topics, and from the Indian Express, these are the topic that will be more that will be discussed in this analysis. So moving ahead, so first, as you know that we go start with our in-depth analysis, that is the speed of the justice. This is written by Vivek Debroy, and he is a chairman of the Economic Advisory Council to the PM, and the information which is provided is very informative. They talks about the fast track courts and its regulation. So fast track court has always been an important topic in the general studies paper 2. ठीक है, आपके इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 जहाँ पे एथिक्स का पेपर है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. कुछ पॉइंट्स आप अपने ऐसे एग्जाम में भी यूज़ कर पाओगे, राइट? सो मूविंग अहेड, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट. होता है क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट? देखो, एक तरह की स्पेशल कोर्ट है जिसको पूरी जो स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया गया है, राइट? सो दैट द केस डज नॉट टेक मोर टाइम. अगर वो नॉर्मल कंडीशन में चले तो इट टेक मोर टाइम टू एजुकेट द मैटर, टू सॉल्व इट इन द अर्लीस्ट बेसिस, द फास्ट ट्रैक कोर्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड. और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, बेसिकली द फर्स्ट ट्रैक कोर्ट दैट इज़ अ स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ द केसेज एंड सोल्यूशन. जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पूरी स्पीडी एज पॉसिबल एज करने की कोशिश की जाती है. जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है दैट हैज़ ऑल्सो इट हैज़ एक्सेलरेटेड द डिस्पोजेबल प्रोसेस ऑन द मैटर रेंजिंग फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, एंटी करप्शन, राइट्स, चेक बाउंसिंग, इस तरह के केसेस के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट रखा. क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि अमाउंट बहुत हाई होते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से भी थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. एंड उसके अलावा द जजेस फ्रॉम दीज कोर्ट वेयर अपॉइंटेड ऑन द एडहॉक बेसिस. आपको पता होगा कि जो जजेस है वो एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई स्पेशल जजेस रिक्रूट नहीं होते. द ओनली जजेस दैट आर देयर इन द बेंचेस, उनको ही यहाँ पे एडहॉक बेसिस पर रखा जाता है. सो दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. जिस स्टेट से भी होंगे वहाँ से हाई कोर्ट से उनको लाया जाता है, राइट? फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एडहॉक इट सेल्फ मीन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड उसके बाद देर इज नो सेंट्रल फंडिंग ऑन द फास्ट ट्रैक कोर्ट. ठीक है, अभी तक कोई सेंट्रल फंडिंग नहीं है. आफ्टर 2011 की बात करूँ तो उसके बाद सेंट्रल फंडिंग नहीं है. उससे पहले था, वो आपको बताऊँगा. जो 11th कमीशन थी, फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको लोग, और सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा. एंड हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली, दैट को दे कुड एस्टैब्लिश द जो FTCs है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वो अपने एक्सपेंसिस पे वो बना सकते हैं. फाइन, नाउ मूविंग है, बेसिकली 11th फिनांस कमीशन जो थी उनका कुछ रिकमेंडेशन था. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द रिलेशंस टू द FTC. जो FTC जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो आप अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो अभी ये ज़रूर लिखना कि जो 11th फिनांस कमीशन ने रिकमेंड किया था 1734. दिस नंबर कैन बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, आप आराम से याद कर सकते हो 1734. ओके, सो दिस मच अमाउंट वॉज दिस नंबर ऑफ कोर्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड वॉज आस्क्ड टू बी क्रिएटेड. उसके बाद हुआ क्या, देर वर अदर एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. और उसके बाद में जो ऑलमोस्ट जो यहाँ से जो फॉर्मेशन हुई थी वो ऑलमोस्ट 1659 फॉर्म हो चुकी थी,
right? And it has urged the state government to utilize the enhanced jo devolution of fund hai usko bhi utilize karke fast track court banaye, aisa recommendation diya tha finance commission ne. And the 11th finance commission has also recommended that there were these the period that was there, the lag time which was there from 2000 to 2005. ओके सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 11th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको जानना विथ रिलेशन टू एफटीसीज. नाउ मूविंग अहेड, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी भी काफ़ी अहम हो जाती है. देखो स्टेट गवर्नमेंट का जो क्या है, दे वेर द सपोर्टिव टू एस्टैब्लिश द एफटीसीज. उनका भी कहना था कि ठीक है भाई हम एफटीसीज बनाएंगे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट. एंड एट द सेम टाइम द टर्म फॉर द स्कीम ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द फाइनेंस कमीशन वॉज एंडेड इन 2005. That is precisely if I mark a date, that is 31st of March. Date आपके लिए कहीं भी important नहीं है, अब बस year याद रखना, right? By what happened उसके बाद क्या हुआ, जो state government है उन्होंने notified किया और almost जैसे 177 okay 1711 FTCs were formed. इसके जो थे उसके which almost इतने जो हुए 1562 were functional. Okay, ये number कहीं भी important नहीं है. मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सी द एक्टिवनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, राइट? कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही प्रोटेक्टली कोशिश की कि सारे एफटीसी सारे स्टेट में बने. नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कोर्ट्स वेर ऑल्सो वेरिड अक्रॉस द स्टेट्स. सारे स्टेट्स की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है. किसी डेली बेसिस पे 15 कर रहे हैं, कोई स्टेट 25 कर रहा है डेली बेसिस पे. तो उस हिसाब से एवरेज जो है, द ऑल इंडिया एवरेज केसेज दैट वॉज डिस्पोज पर मंथ वॉज 15 केसेज. ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर्स आप याद रख सकते हो जो कि आप एग्जाम में एक बार को लिख सकते हो. नाउ मूविंग अहेड, जो ब्रिज लाल मोहन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो ब्रिज लाल वर्सेस यूनियन ऑफ केस में हुआ क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था कि वन शुड नॉट डिसबैंड द एफटीसीज ओवरनाइट, फाइन. इसके आगे इन्होंने कहा कि हेंस द यूनियन गवर्नमेंट कैन अप्रूव 5.509 crores फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1562 टू फंक्शनल FTCs by 2010. इतना अमाउंट दिया गया था क्योंकि जो एवरेज लगाई गई थी वो करीबन 21 लाख रुपीस के आसपास पर कोर्ट के लगा गई थी. तो डेडलाइन जो था वो आगे बढ़ाया गया एक साल की, दैट वाज एक्सटेंडेड वन मोर ईयर. एंड इन 2012 द ब्रिजलाल मोहन केस अगेन द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व, आई कोट व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व, दैट द यूनियन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दैट इट वुड नॉट इन एनी केस फिनांस द एक्सपेंडिचर बाय द FTCs बियॉन्ड दिस मच. ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ठीक है उसके बाद अब कोई भी फाइनेंसेस को एक्सपेंडिचर नहीं दी जाएगी. उसके बाद हुआ क्या, बाय सम टाइम द स्टेट हैज़ रिजॉल्व टू कंटिन्यू द एफटीसी सेटअप्स. ठीक है, इस स्कीम को इन्होंने आगे बढ़ाया एंड दैट कंटिन्यूड 2012 2013 2016 में. तो आप ये याद रखेंगे कि 2010 तक की तो बातें की गई थी, उसके बाद एक ईयर एक्सटेंड किया गया दैट सम टू 2011. और जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने एक्टिव रोल के तहत इट हैज बीन इंक्रीज टू 2007 एंड स्टिल इट कैन बी ऑगमेंटेड टू फर्दर टाइम. जब चाहे अगर स्टेट को लगे किसी स्टेट को कि वांट टू कंटिन्यू विद दिस टूल तो दे कैन गो अहेड. नाउ मूविंग अहेड, स्टेट की जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. कि मैं 2017 की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जो 2017 में जो ऑलमोस्ट जो डेटा हमारे पास है. तो FTCs में झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु, दे हैव डिस्पोज्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर केसेस. ओके, उनका जो केसेस, हाफ ऑफ द केसेस विद इन वन ईयर उन्होंने रिजॉल्व कर दिया. नॉट टॉकिंग अबाउट द छत्तीसगढ़ एंड पंजाब, दे हैव मिस्ड इट मार्जिनली, बट उनको और भी काम करने की ज़रूरत है. जो पुअर रिकॉर्ड्स में हैं अभी स्टेट, दैट इज गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली. सो ये पांच स्टेट नो बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं किए. अगर अकेले में बिहार की बात करूँ तो ऑलमोस्ट दे हैव सेटल डाउन 6704 केसेज इन 2017, फाइन. एंड फ्यू स्टेट हैव इवन कंसिडरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ FTC स्कीम्स एज एन परमानेंट फेल्योर. ठीक है, उनका जो कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा, दे हैव नॉट गिवन गुड रिजल्ट. एंड उसके बाद हुआ क्या कि कुछ स्टेट ने ये भी दिखाया कि अगर सो कंटिन्यू किया जाए इस फीचर्स को तो इट कैन बूस्ट द डिलीवरी प्रोसेस. तो उसको परमानेंट फीचर लगाने की भी बात की गई है, राइट. एंड दिस इज टू द लार्ज एक्सटेंट दैट इट हैड क्रिएटेड डिस्क्रिपेंसी अमंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड द स्टेट इंटायरली इन द कंट्री, फाइन. और कुछ स्टेट्स का ये भी कहना है कि दे वुड कंटिन्यू विद द FTC स्कीम्स वाइल अदर हैव
been forced to discontinue because there was a non-availability of fund. The fund ka jo issue hai, ye kafi important hai. To agar aap causes batayenge examination mein, agar aapke paas pucha jaye ki what were the important causes that has led to not the FTTs to be formulated in other state, so you can quote that the non-availability of fund, infrastructure bottlenecks, these are some of the important contributors that has led to the downfall of the FTCs. Now moving ahead, 14th Finance Commission ke bhi kuch recommendation that is important for you to understand. The 14th Finance Commission 2015 se 2020 tak thi, inhone jo amount dispersed kiya, jo grant in aid diya Department of Justice and ko, to almost 4,144 crore rupees diye the as an additional grant for an additional court and family courts ke liye bhi, not only for the FTCs. Theek hai, uske alawa in 2018 almost 669 FTCs were formed, okay, and some of the courts were also established earlier in the countdown. Fine, so ye 14th Finance Commission ki taraf se itni amount usko matlab, I just wanted to tell you that it continued in 14th Finance Commission as well. Fine, now moving ahead, jo fast track special court hoti hai ek FTSC. Okay, so usme kya hua, in 2019 a scheme was being proposed that for setup of the fast track special court that was formed against the adjudication of the rape, POSCO जो cases है, जो protection of child against the sexual offences के जो cases हैं, उसको dispose of करने के लिए, fine. और 102 FTCs उन्होंने almost 16682 इतने सारे जो rape के cases थे, जो POSCO के cases थे, that were disposed of out of this much, fine. Now there are 389 districts in the country. This can be important for you. 389 districts in the country where the number is pending under the POSCO Act. Okay, itne sare districts mein abhi bhi pending hai POSCO Act ka. Now Supreme Court ne ek order diya, in each district there should be one exclusive POSCO court that would be set up and that would be exclusive only to dealing with the POSCO cases. So har district mein ek aisi court honi chahiye. This is the directive provided by the apex court. Now the center will meet the part of the expenditure of the FTCs while matching other grants will be given to the state and union territory by 2021. Fine. So this was from the fast track special court. Now moving ahead, what is the way forward? That is also important for you to understand. See, rationalization of the judicial structures is very important. As I told you, the judicial structure, the functioning of the judiciary is very important to give them the pivotal importance to adjudicate the matter of POSCO, rape, other child related offenses. Okay, and the capacity building and improving infrastructure is also very important. Now the sensitization of the state government, okay, this is very important because High Court has to take all necessary steps to establish the fast track courts and provide adequate funds for the purpose of creating and continuing them. Fine, and a holistic approach is needed for the fast track court in the investigation process. See what happens when the investigation process is lower down, it's slow down, the entire case is lax. Okay, so there is need to boost the investigation process so that at the end the case is finally disposed of. Zaruri ye hai ki investigation process ko jaldi se jaldi khatam kiya jaye taki investigation ke wajah se kisi case mein lacking na rahe, right? So this was the important way forward which I feel would be important for you to understand. Now moving ahead with the other news that is important for you. So the first from the Hindu, that is narrowing the option in the Jammu and Kashmir, this I'll be discussing with you. Nehruvian consensus under siege, no, far from the reality and a balancing act. So this I'll be not discussing the over the top platform. No, this is talks about the OTPs basically. So yahan pe batayi gayi hai ki kaise Netflix and Amazon, they have given an jo small budget ke jo cinemas hain unko bhi ek platform mil raha hai jo to show their talent, to show their ideas. Okay, so this is what is been discussed in this editorial. To main abhi aapko jo important cheeze hai wo pehle bata dun. Sabse pehle main aapke sath discuss karunga that is Nehruvian consent under the siege. और ये एडिटोरियल पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है, दिस इज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस. तो सेम पैरामीटर्स पे है इसलिए मैंने इसको क्लब कर दिया है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, सी दिस टॉक्स अबाउट द पर्सनालिटी, द नेहरू जी एज एन पर्सनालिटी, बिकॉज टुडे इज 14th ऑफ नवंबर, वी सेलिब्रेटिंग 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेहरू जी. तो उसके बारे में बातें की गई है एंड टुडे इज ऑल्सो 14th नवंबर एंड टुडे इज चिल्ड्रेन डे एज वेल. ओके, चिल्ड्रेन डे भी आज. So the whole idea, the whole essence of this editorial is the idea of Nehru. Okay, so the basic idea behind it was the modernization of India,
जो चीजें हुई जो इवॉल्व हुई वो सारी चीजें द आइडिया विच इज थिंग एंड दैट वॉज लेटर इम्प्लीमेंटेड इन 1991 एज अ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के जो एरा था कहीं ना कहीं उसकी कल्पना नेहरू जी ने पहले की थी. ओके एंड द आइडिया द फ्रेमवर्क द सेक्युलरिज्म एंड इन दिस ऑल्सो टॉक अबाउट ही वॉज अ मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू गांधी जी. ओके गांधी जी के सबसे क्लोज थे एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट द गांधी वैल्यूज इन द सोसाइटी द सेक्युलर व्यूज इन द सोसाइटी. तो जैसे आप जानते हो कि जब भी कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी की जब एनिवर्सरीज होती है तो जाहिर सी बात है एडिटोरियल कंटिन्यू होती है. तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने की बात है कि जो नेहरू की जी कंट्रीब्यूशन थी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे वो सोशलिस्ट वेलफेयर की बात हो चाहे वो ओवरऑल जो जो फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है उसकी बात हो तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है. एंड एज फार एज द फॉरन पॉलिसी इज कंसर्न दे आर ऑल्सो ही हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग द फॉरन पॉलिसी ऑफ द कंट्री. तो यू कैन अंडरस्टैंड जब ऐसी बात जब ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ो तो उसको उनके बारे में ये चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर पर रहा है. ओके दिस वुड भी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप मेन्स एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिखते हो इफ यू राइट आ ऐसे तो यू कैन कोरिलेटेड विद एज एन एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग टू गांधी व्यूज क्या तो गांधी ओपिनियन की वजह से ये सारी चीज़ें थी नेहरू जी के ओपिनियन की वजह से ये सारी चीज़ें थी. फाइन सो देयर इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो इसी वजह से कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि हाउ ही वॉज थिंकिंग ऑफ कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दी गई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. हाँ बट आपको ये जरूर जानना चाहिए कि गांधी जी की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में क्या रही थी. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड एन इशूज रिलेटेड टू डेवलपिंग एंड मैनेजमेंट जनरल स्टडीज़ के पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जहाँ पे अफार मूव फ्रॉम द रियलिटी की बात की गई. जैसे आपने रिसेंटली एक यूट्यूब में वीडियो आई थी जहाँ पे दिखाया गया था कि जो सेंट्रल विस्टाज है जो बेसिकली मैं अगर बात करूँ जो ल्यूटियंस डेली है जहाँ पे राजपथ वाला जो एरिया है उसको गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रही है. फाइन सो दे आर डिज़ाइनिंग एंड दे आर बिल्डिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एक तरह से क्रिटिक बताई गई है कि डिस्पाइट द फैक्ट जहाँ इतनी इकोनॉमिक स्लो डाउन है एंड गवर्नमेंट वाइज एक्सपेंडिचर इज बिंग इंक्रीज फार लॉट. ठीक है तो एक YouTube में वीडियो है छोटी सी क्लिप है आप उसको देख सकते हो दैट इज नो द रिलीज्ड बाय द हफीज कॉन्ट्रैक्टर. तो बेसिकली इनको दिया गया है टारगेट कि आप कैसे बिल्ड करेंगे ओवर द टाइम जो जो पूरा सेंट्रल दिल्ली का जो विस्टाज है. ठीक है द एलोकेशन हैज बीन गिवन टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर. तो ये सारी चीज़ें बात आई गई है कि एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ऑल्सो डिस्कस कि वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड वाई ओनली अ सिंगल क्लाइंट. ओके सी ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं अगर छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ देखो सरदार जी की जो मूर्ति बनाई गई जो स्टैचू बताया गया जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ही ज़रूरत थी उसकी बहुत नो वी लैकिंग बिहाइंड जो आइडियाज़ थे सरदार पटेल जी के उनको लोगों को युवाओं को बताना बहुत ज़रूरी है. बट अगेन एक्सपेंडिंग अ कॉस्ट ऑफ 3,000 करोड़ इज़ नॉट फीजिबल. ओके 3,000 CR आप एक्सपेंस कर रहे हो और एक स्टैचू के पीछे तो ये फीजिबल नहीं है. हाँ दिस कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ 150 करोड़. दिस कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ मैक्स 500 करोड़. थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं तो क्या चला जाता है राइट. सी आई एम नॉट टेलिंग दिस सम ऑफ द सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो अटैच तो मेरा वो हिस्सा नहीं है. मैं आपको एक न्यूट्रल व्यू बताऊँगा. एंड अभी आप रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं जो अंडर 200 CR बहुत ही वेल बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए गए हैं. तो उसी तर्ज पे बात की गई है कि वाई इट वॉज नो नेसेसरी टू अगेन रीबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है राइट. हमारे मैन्युफैक्चरिंग अभी लैक कर रही है. अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज़ काफ़ी बड़ा है. दिस प्रोजेक्ट जो सेंट्रल विस्टास का जो प्रोजेक्ट है आपको क्या लगता है कितने का होगा. दिस इज़ नॉट लेस देन 10,000 करोड़. इतने से कम का नहीं होगा ये. ठीक है तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया टू सी एक एक जो पैसा एक एक रुपया का हिसाब होना चाहिए अगर हम उसको खर्च करने से पहले राइट. नाउ मूविंग अहेड सॉरी दिस इज लाइक दिस जूम इन नाउ आई विल बी मूविंग अहेड विद एडिटोरियल लाइक द बैलेंसिंग एक्ट. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3. द सिक्योरिटी चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी जहाँ कम्युनिकेशन की बात की जाए उसके बारे में. तो दिस इज़ बेसिकली द प्राइवेसी इशू दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड आफ्टर द जो पेगासस का जो इशूज़ हुआ था जो व्हाट्सएप पे. तो उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सबकी जो प्राइवेसी है दैट शुड बी मेनटेन. तो उसी कंसर्न में बेसिकली ए के एंटोनी ने लिखा है तो द
point that is being highlighted ki jo inscription hai, okay, jo descriptive WhatsApps hai, that is also kyun aapne recently aapne dekha hoga ki IS officers ke piche bhi snooping ki gayi hai, and again at the same time the other people, to Supreme Court ne bhi kaha hai ki privacy should be very important and it is a fundamental right as well. To usi concern mein aur main samajhta hu ki UPSC ki mains examination mein aap pe is pe ek sawal aa sakte hain, प्राइवेसी पे एक सवाल बनते हैं, तो आप इस पे जरूर एक नोट्स बनाना क्योंकि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज टेकिंग अ कॉग्निजेंस ऑफ इट कि वी नीड टू एसेंशियली इंपार्ट कि देयर शुड बी प्राइवेसी फॉर ईच एंड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री. फाइन, नाउ मूविंग अहेड, कुछ इंडियन एस्पेक्ट से कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे एडिटोरियल जो है. तो इसमें मैं लिसनिंग द मुस्लिम ये वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगेन द इस तरह के हिंदुत्व नेशनल ये जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है ये आपके एग्जाम के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते. नाउ द नेरुवियन रैशनल स्पिरिचुअल, इसको मैंने आपको पहले बता दिया, हु इज अफ्रेड ऑफ द RCEP एंड फूड फॉर फ्यूचर, दिस आई बी डिस्कसिंग, दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द इन डेप्थ एनालिसिस. ओके, इसको हमने डिस्कस किया जिसमें हमने सिविल जो FTCs थे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आपको बताया. नाउ मूविंग अहेड, what is, who is afraid of RCEP? देखो RCEP basically it is an important agreement, ठीक है, लेकिन अभी जैसे अभी इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया, वी आर नॉट साइनिंग इट, तो पूरी बात की गई है, जो मैसेज पूरा दिया गया है कि जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है लाइक RCEP इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, ओके, इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ थ्रेट एज वेल. तो क्या करना चाहिए इंडिया को, इंडिया इज इन द कैच 22 सिचुएशन, ओके, इंडिया इज इन द कैच 22 सिचुएशन. कैच 22 समझते हो, कैच 22 का मतलब होता है कि ऐसी अद्वेश जहाँ पता नहीं है कि डिसीजन क्या लेना, बट ऑल दो इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, बट यहाँ पे ये बताया गया है कि ये इतनी बड़ी फोरम है, ओके, एक इतनी बड़ी फोरम है जहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम सुधार कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ वॉट इज़ बिंग डिस्कस बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलरेडी, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको इसके जो रिप्रिकॉशन है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो समझाने की कोशिश की है. फाइन, सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वॉट इज बिंग डिस्कस कि अगर इंडिया चाहे तो बाद में एज एन अल्टरनेटिव, अगर हम देखें जो जो टू अल्टरनेटिव इंडिया के पास है, द फर्स्ट है कि हम ट्रेड जो बेसिकली जो अवॉइड करें, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो टेरिफ्स हैं, जो टेरिफ्स हैं उनको इंक्रीज करें क्योंकि जो हमारे अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनको हार्म पहुँच रहा है, राइट. सो दिस इज वॉट इज बिंग डिस्कस एंड द अदर ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस इंडिया इज टू दैट टू सी वर्ल्ड एज एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो द मार्केट ओवर द टाइम. फाइन, ऐसे लोग जो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो जो इंडिया की जो GDP है उतना उससे ज़्यादा बड़ा है, तो विट इट बी फिजिबल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया टू मूविंग आउट, और वी शुड आस्क फॉर अ कॉम्प्रोमाइज एंड वी कैन मूव अहेड. तो ये सारी बातें हैं RCEP में, मैंने पहले 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख लो एक बारी, और इससे सवाल मेंस में बनेंगे ही बनेंगे, राइट. नाउ मूविंग अहेड, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द फ्यूचर, फूड फॉर द फ्यूचर, इसको पूनम महाजन ने लिखा है, सी इज ऑल्सो अ नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, NMP ऑल्सो. सो शी हैड कोटेड द पॉइंट दैट हाउ मच वाटर इज बींग वेस्टेड, ओके, एक वाटर की अवेबिलिटी पे इन्होंने बात सवाल खड़ा किया, चाहे वो राइस की बात हो, चाहे वो वीट की बात हो, चाहे वो नो पॉलिट्री की बात हो, तो द वाटर कंजम्पशन, बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस एडिटोरियल इज द वाटर कंजम्पशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, ओके, वाटर की जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके बारे में बात की गई है. फाइन, तो आई टेल यू सी, इस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो अपने बेसिकली जो सप्लीमेंट्री आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का, या फिर फोकसेस ऑन द एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ कर पाओगे. बेसिकली इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऑलमोस्ट अभी हमारे पास 70% ऑफ नो टोटल वर्ल्ड में वाटर है, जहाँ पे 2.5 ही फ्रेश वाटर है, और जो टोटल हम यूज़ कर पाते हैं दैट इज़ ओनली 0.07%. फाइन, एंड दिस इज़ फॉर 6.8 बिलियन ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इतने लोगों के लिए है. और जितने अगर आप कोई राइस को देखोगे, ऑलमोस्ट अ केजी ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस, यू नो दैट नीड्स 3000 लीटर्स ऑफ वाटर, दिस आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल. तो आप देख लो कि किसी भी तरह से चीज़ों को वेस्ट ना किया जाए, एंड द फैक्ट लाइज इज दैट कि अगर राइस भी है तो उसकी वेराइटी अच्छी उपजाया जाए ताकि फार्मर्स को अल्टीमेटली एंड में जो पैसे हैं वो सही मिले. अगर आप सी वॉट इज़ हैपनिंग इन पंजाब, दे आर ग्रोइंग एंड नंबर्स ऑफ राइसेज डिस्पाइट द क्वालिटी,
और वो क्या रहा है बाद में वो एफसीआई के काउंटर्स में जाकर के सड़ रहे हैं और उनको जो मुआवजा है दैट इज़ अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करूँ तो सिर्फ 3 रुपये मिलता है उनको पर राइस। वही अगर वो अच्छे राइस का कंजप्शन करेंगे अच्छे राइस को उगजाएंगे तो क्या होगा उनको जो प्राइस है दैट वुड गो अप टू ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास भी मिल सकती है। सो दिस इज़ वॉट इज बी डिस्कस इन दिस शॉर्ट आर्टिकल कि एक फोकस होना चाहिए जो इन्वायरमेंट कंसर्न हो ऐसे क्रॉप्स उगाने जाए चाहे नहीं जिसमें कि पानी का कम से कम नो हमें खपत हो एंड वी कुड गेट मोर जो वाटर ग्राउंड जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी हमें देखने की जरूरत है उसको भी रिचार्ज करने की जरूरत है राइट। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा शॉर्ट आर्टिकल है इसको आप पढ़ सकते हो। जो डेटाज है ये बहुत ही कॉमन सा डेटा है ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाउ मूविंग अहेड एज आई टोल्ड यू दैट आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली दिस इज द फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेदर इज अ ग्रेविटेशन वेदर इज अ मैग्नेटिक फील्ड द सिस्मिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एरप्शन। सो आपको बताना है मुझे करेक्ट क्या है 1, 2 and 3 ओनली 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4 and 3 and 4 ओनली। तो इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है राइट आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई सिंसियरली थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग और जो नहीं कर रहे हैं रिक्वेस्ट टू प्लीज पार्टिसिपेट एंड राइट द करेक्ट आंसर राइट। नाउ मूविंग अहेड एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से है दिस इज PYQ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर दैट इज़ फ्रॉम 2014। और आप में से कई लोग टेलीग्राम चैनल भी हमारे सब्सक्राइब करते हैं जहाँ पे आप देखते हो मैं आपको आगे बताऊँगा। सो पहले मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ कि वॉट इज़ द बेस इफेक्ट इन द इकॉनमी इट इज़ इंपॉर्टेंट इट इम्पैक्ट द प्राइस लेवल एंड प्रीवियसली ईयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन द डिमांड ऑफ द रैपिड इकॉनमी ग्रोथ इट इज़ इट इम्पैक्ट द ड्रास्टिक डिफिशियंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेल्यूर ऑफ क्रॉप और नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ईजी सवाल है आप आराम से कर सकते हो राइट। सो आप में से कई लोग हमारे एडिटोरियल एनालिसिस को यूट्यूब के अलावे नो टेलीग्राम चैनल में भी देखते हो तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू कि आप एक बार यूट्यूब में जा करके उसमें जो आंसर है जो करेक्ट आंसर है वो वहाँ पे कमेंट में दे दें ताकि वी कम टू नो हाउ मेनी यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड वॉट इज़ योर डिमांड वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वॉन्ट ठीक है। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया जिन्होंने उसके लिए वो बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड डू राइट द कमेंट इन द यूट्यूब ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दिस वाज देयर फ्रॉम द टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।